तो मुंबई से ही आ रहा है सर, तब से ये केवल लोकल पानी सेलिंग किया जा रहा है। ट्रेन हो गई 4 घंटे लेट, चले आंटी जी चलते हैं। ओके चलिए, पानी बोतल रखा हुआ है अंदर भी और इसमें भी, फिर भी लोकल पानी सेलिंग किया जा रहा है हमारी ओवर एक्सप्रेस। नाइट का डिनर कैसे करेगा, ये हाल है इस ट्रेन की और एक्सप्रेस में भाई, पेंट्री में अच्छे बाकी पूरे 4 घंटे डिले के साथ अपनी अलविदा लेते हम लोग। और कैसा रहा सफर गुजरात से अपनी बिहार तक? इनको देखिए, ये गैलेक्सी का जो है ना लोकल पानी सेलिंग किया जा रहा है, जो कि अभी आपने कोच का कंडीशन जो कि हाल का बिल्कुल साफ सफाई है ही नहीं है कोच में। बाकी टिकट था भाई इस ट्रेन का बरौनी तक, बट अपनी ट्रेन भाई 5 घंटे लेट होने के बाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रेन जर्नी में। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 19037 मुंबई के महाराष्ट्र में बांदा टेमेश और बिहार के बरौनी के बीच चलने वाली एक डेली रन ट्रेन अवध एक्सप्रेस से। 3rd AC में आज हम सफर करेंगे, इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं बिहार के वेस्ट में बाकी अपनी बघा रेलवे से। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाकी वीडियो के अंदर बने रहिए। चलते हैं प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि अपनी जो अवध एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 2 पे आएगी और फिलहाल मैं हूँ अभी 1 नंबर में। चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी ट्रेन के अराइवल के साथ, फिर हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। A few moments later, ये पूरे 4 घंटे डिले के साथ अपनी और भाई भीड़ देख के तो लग रहा है कि भाई जंग के मैं आगे जनरल कोच मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से ओवर है भाई गर्दा बुला के। साथी के भाई बगान के प्लेटफॉर्म 2 पे, जिसका पहुंचे के टाइम था दोपहर के 2:35 और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:35 ऑलमोस्ट 4 घंटे डिले के साथ अपनी अवध एक्सप्रेस आ रही है। चलिए बोर्ड होते हैं अपनी 3rd AC के अंदर, फिर मिलते हैं डिपार्चर के साथ। 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म 2 से डिपार्चर होता हुआ बगहा रेलवे स्टेशन से। फिलहाल ट्रेन हमारी 4 घंटे डिले के साथ निकल चुकी है बिहार के वेस्ट चंपारण के अपनी बघा रेलवे स्टेशन से, और इसका अगला स्टॉपेज आने वाला है हरिनगर। तो हमें हरिनगर को स्किप करके मिलते हैं सीधे आपको नेक्स्ट स्टॉपेज बिहार के वेस्ट चंपारण अपनी नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिलहाल मैं सफर कर रहा हूँ अवध एक्सप्रेस के 3rd AC में और यहाँ पे एक मेरे भाई मिले हैं जो कि अपनी आ रहे हैं गुजरात के सूरत से और जाएंगे अपने नरकटियागंज जंक्शन। और भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अपने फैमिली पे न्यू मेम्बर मिले हैं, तो ऐसा ही आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। बाकी मिलकर अच्छा लगा भाई से। बाकी चलिए भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट करते हुए कोच में हम लोग पहुँच रहे हैं। भाई का अगला स्टॉपेज डेस्टिनेशन आएगा जहाँ पे भाई से हम लेंगे अलविदा अपनी नरकटियागंज। ट्रेन हमारी पहुँच रही है बिहार के वेस्ट चंपारण के अपनी नरकटियागंज जंक्शन, पूरे 4 घंटा 5 मिनट डिले के साथ अराइवल होता हुआ। ऑलरेडी इस बगान से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टॉप बिहार के वेस्ट चंपारण के नरकटिया का जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NKE। टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 36 ट्रेन है रोजाना आके आउट करती है। यहाँ से 11 ट्रेन ऑरिएंट में बिहार के ईस्ट सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का आउट है और अपनी ट्रेन पहुंची है पूरे 4 घंटा 5 मिनट डिले के साथ। अब बात की जाए नरकटिया का जंक्शन पॉइंट की में, तो हम लोग आए हैं गोरखपुर लाइन से और यहाँ से हम निकल जाएंगे बेतिया होते हुए मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर, और तीसरी लाइन यहाँ से निकलती है अपनी वाया सिकटिया के रास्ते रक्सौल की ओर, और चौथी लाइन यहाँ से निकल जाती है आपको एक लाइन नरकटियागंज से भिकना टोड़ी की ओर। 4 लाइन आके मिलती है, इसलिए नरकटियागंज को जंक्शन पॉइंट बनाया। चलिए अपनी मुकेश भाई से जो है ना अलविदा लेते हैं हम लोग। और कैसा रहा सफर गुजरात से अपनी बिहार तक? बढ़िया, ट्रेन हो गई 4 घंटे लेट, चले आंटी जी चलते हैं। ओके चलिए ठीक है भाई। चलिए 5 मिनट होल्ड के बाद निकल चुकी बिहार के वेस्ट चंपारण अपनी नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से निकलने के बाद इसका अगला स्टॉपेज आएगा सीधे वेस्ट चंपारण के अपनी बेतिया। तो पहले नरकटियागंज जंक्शन से इस ट्रेन का देखिए डिपार्चर। नरकटिया का जंक्शन से और निकलते हो गए भाई ट्रेन पूरी। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है पूरे 4 घंटा 5 मिनट डिले के साथ अपनी बिहार के वेस्ट चंपा अपनी नरकटिया का जंक्शन से, और जो अपने मुकेश भाई थे उनको अलविदा लेके अब हम लोग निकल चुके आगे डेस्टिनेशन। इसका अगले स्टॉपेज आएगा बेतिया, तो मिलते हैं सीधे आपको नेक्स्ट स्टॉपेज बेतिया। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है वेस्ट चंपारण के हेडक्वार्टर अपनी बेतिया रेलवे स्टेशन। फॉग देखो भाई,
ऑनलाइन के 77 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप बिहार के हेडक्वार्टर यानी वेस्ट चंपारण के अपनी बेतिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BTS 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन। 42 ट्रेन पर डे आके हॉल्ट के थी। यहाँ से नाइट ट्रेन और बिहार के इस चंद्र के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट शॉर्ट है और अपनी ट्रेन पहुंची है 4 घंटा 50 मिनट डिले, 5 घंटे की देरी से पहुंची है। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर और इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे इस चंपारण यानी पूर्वी चंपारण के नेक्स्ट स्टॉप है सुगौली जंक्शन। तो भाई देख सकते हो कि सामने है पेंट्री कार और पूरा का पूरा रेल लाइन का पानी का बोतल पेंट्री में पड़ा हुआ है, फिर भी लोकल पानी से लिंक किया जा रहा है। अभी जस्ट मैं गया था भाई इस ट्रेन के अपनी हवा देखते हो भाई पेंट्री कार में, और पेंट्री कार में जाने के बाद जो है ना पूरे के पूरे रेल लाइन का पानी का बोतल रखा हुआ है लाइन से, फिर भी ये लोग जो है ना 3rd AC में लोकल पानी से लिंक किया जा रहा है। अभी 20 का 15 का रेल लाइन पानी पूरा रखा हुआ है पेटी, फिर भी मांगने पर नहीं दिया जा रहा। और अभी गया मैं कुछ लेने के लिए तो बोला है पेंट्री बंद 9 बजे करीब रात में बंद हो गया, अब तो अब कुछ नहीं मिलेगा। बताओ अभी ये हाल है अभी बेतिया में, अभी आगे तक लोग बरौनी जाएगा, नाइट का डिनर कैसे करेगा, ये हाल है इस ट्रेन की। और देखते हो उसमें भाई पेंट्री में स्कैम चल रहा है, तो इस चीज़ से बचें। और जो मेरे को पसेंजर है मेरे बगल में जो बैठे हैं उनको उनसे मिलाते हैं कि जो लोकल पानी दिया गया था वैसे कैसे है। देख सकते हैं पूरे के पूरे रेल लाइन पानी बोतल रखा हुआ है अंदर भी और इसमें भी, फिर भी लोकल पानी से नहीं किया जा रहा है हमारी ओवर एक्सप्रेस। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है वेस्ट चंपारण के हेडक्वार्टर अपनी बेतिया रेलवे स्टेशन से। फाइनली 5 घंटे डिले के साथ निकल चुकी अपनी ट्रेन वेस्ट चंपारण के अपनी हेडक्वार्टर यानी बेतिया रेलवे स्टेशन से, और इसका जो अगला स्टॉपेज आएगा जो कि इस चंपारण पूर्वी चंपारण में आएगा सुगौली जंक्शन। तो मिलते हैं सीधे आपको सुगौली जंक्शन में। या मैं काफी टाइम तक अपनी ट्रेन रुकी हुई थी तो मैं गया भाई पेंट्री कार में, और पेंट्री कार में पता चल रहा है कि भैया आ रहे हैं हमारे मुंबई से, ठीक है। और इनको देखिए ये गैलेक्सी का जो है ना लोकल पानी सेलिंग किया जा रहा है, जो कि अभी आपने देखा कि पेंट्री कार में पूरा रेल लेर पानी का बोतल 15 वाला पूरा कार्टून रखा हुआ है, और बोला जा रहा है कि अभी पार्सल हुआ है, और यहाँ लोकल पानी 20 रुपए में दिया जा रहा है ना भैया, 20 रुपए में दिया ना। आप लोग मुंबई से ही आ रहे हैं तो सबसे ये केवल लोकल पानी सेलिंग किया जा रहा है, बताइए। रेल लाइन एक भी सर्व नहीं हुआ है, ये हाल है इस ट्रेन की 3rd AC का पेंट्री कार का स्कीम अवध एक्सप्रेस की। फिलहाल ट्रेन हमारी अराइव कर रही है सुगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 3rd AC इस चंपारण के अपनी सुगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SDL। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 51 ट्रेन रोजाना आके और यहाँ से 1 ट्रेन और रियर टमेटो से बिहार के अपने ईस्ट सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का भाई 2 मिनट कॉट है, अपनी ट्रेन पहुंचे भाई पूरे 5 घंटा 3 मिनट डिले के साथ अपनी सुगौली जंक्शन। बाकी जंक्शन पॉइंट की मैं तो बता देता हूँ, तो हम लोग हैं जैसे बेतिया की ओर से, यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग मुजफ्फरपुर, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सुगौली जंक्शन से अपनी रक्सौल की ओर, इसीलिए जंक्शन पॉइंट बनाएगा। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर सुगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका इस चंपारण से अपनी सुगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये अपनी अवध एक्सप्रेस का 3rd AC का कंडीशन काफी अच्छा दिया गया है फैसिलिटी, और इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार भी अवेलेबल है, जिससे आपको खाना वगैरह खाने पीने के सब चीज अवेलेबल मिल जाएगा, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रेन काफी बेस्ट है, यही है भाई आज 5 घंटे डिले हो गई, कोई नहीं अब तो डेस्टिनेशन पहुँचना ही पहुँचना है। चलो अपनी ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पे जाने वाला अपनी इस चंपारण के अपनी बापू की जन्मभूमि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों अपनी 19037 बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस का जो है ना 3rd AC का वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा बड़ा मिरर है, जो कि हालांकि साफ है, यहाँ पे जो है ना आपको सोप होल्डर दिया हुआ है, बेसिन देखिए साफ है, यहाँ पे जो है ना पानी भी हल्के हल्के अवेलेबल है, यहाँ डस्टबिन दिया हुआ है, यहाँ 5 डस्टबिन है, यहाँ भी डस्टबिन। बाकी चलिए चलते हैं अपनी
अवध एक्सप्रेस का थर्ड एसी का वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं इस टाइम कैसा है कैसा नहीं। वैसे देख लीजिए साफ सफाई कोई है या नहीं। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपनी बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस के थर्ड एसी के वॉशरूम के अंदर। देख सकते हैं सामने बड़ा सा मिरर है जो कि हालांकि साफ है। यहाँ पे छोटा सा ट्यूबलाइट, यहाँ का जो हैंगर जो है ना गायब है जो कपड़ा टांगने वाला। बाकी यहाँ देखिए लिक्विड सोप दिया हुआ है, बेसिंग साफ है, पानी भी अवेलेबल है और नीचे देखिए डस्टबिन दिया हुआ है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ जो है ना बच्चे का जो है ना जो इथी होता है उसको यहाँ फेंक दिया गया है। साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के टेक गई यही है, हल्के हल्के स्मेल आ रही है लेकिन नहीं आनी चाहिए। बाकी चलिए चलते हैं अपनी कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो अपनी अवध एक्सप्रेस का जो है ना थर्ड एसी का अपनी कोच टूर कराते हैं तो देख लीजिए ऐसा कुछ है अपना कोच का कंडीशन जो कि हाल का बिल्कुल साफ सफाई है ही नहीं है कोच में। बाकी ये रही अपनी थर्ड एसी का कंडीशन जो कि अपनी फिलहाल तो सीट खाली वगैरह अवेलेबल है क्योंकि बिहार में एंट्री की जगह ना तो भाई ट्रेन डिले भी हो गई है इस वजह से आपको सीट काफ़ी सारा पैसेंजर डिबोर्ट करने के बाद आपको जो है ना सीट खाली देखने को मिल रहा है। बाकी चलिए फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है ना अपर बर्थ हो गया लोअर बर्थ हो गया, यहाँ पे कर्टन दिया जाता है जो कि आप क्या तो मिरर पर फिर यहाँ भी जो है ना एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया जाता है, एक अपर यहाँ बोतल वाटर बोतल होल्डर और इस साइड जो है ना 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और इस साइड की कंडीशन देखो एक छोटा सा मिरर दिया जाता है, इस साइड दो चार्जिंग प्लग सॉकेट और दो इधर उसके साथ दो हैंगर और यहाँ पे कुछ आप रखने के लिए जैसे बेडशीट वगैरह मिलता है उसको रख सकते हो। ये अपर बर्थ और ये मिडिल और ये लोअर, यहाँ पे अभी आपको वाटर बॉटल होल्डर या आप चाहें तो कुछ सामान रख सकते हैं। वैसे एक नीचे भी जो है ना आपको चार्जिंग प्लग सॉकेट मिलता है थर्ड एसी के अंदर, आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है आपको सीट के। भाई साहब कोच का कंडीशन तो देख ही लिया है, यही है कि भाई साफ सफाई कोई है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर भी एक चीज गलती होती है, जैसे लोग गंदगी खाते हैं और वहीं डाल देते हैं जो कि डस्टबिन दिया जाता है फिर भी लोग उसी सीट के नीचे खा कर गिरा देते हैं। तो भाई ये गलत चीज है, बताइए ऐसे गलत चीज करने पे बताइए कोच अटेंडर अंकल कब तक साफ करेंगे। भाई देखिए ऐसा मत करो, जो कि डस्टबिन दिया जाता है भाई जो भी खाओ डस्टबिन में यूज करो। देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो गुटके का पुड़िया वगैरह, यहाँ देखो वैसे ही है कचरा पड़ा हुआ है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा मत करो आप लोग, डस्टबिन में आप लोग यूज किया करो ठीक है। जैसे अभी देखा कि वॉशरूम के अंदर जो है ना हगीज जो है ना बच्चे का वहीं डस्टबिन होने के बाद भी वहीं फेंक दिया गया। तो भाई साफ सफाई का आप लोग भी ध्यान दो यार, गलती ऐसा मत करो। ट्रेन आनी पहुंची कि बापू के जन्म होते बापू दाम होते आगे रेलवे स्टेशन। फॉग देखिए कितनी ज़्यादा है, लेडीज 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज अपनी जर्नी का फोर्थ जो है बिहार के इस चंपारण के अपनी बापू की जन्मभूमि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन जिसके स्टेशन कोड है BMK। यहाँ पर टोटल दो प्लेटफॉर्म है, 44 मिनट रोजाना का और करते हैं यहाँ से दो ट्रेन और जे ट्रेन बाकी बिहार के इस ट्रेनों के अपनी समस्तीपुर डिवीजन में आती है और अपनी ट्रेन का यहाँ 5:30 5.5 घंटे डिले पहुँची है। बाकी चलिए यहाँ से देख चलो अपनी ट्रेन का डिपार्चर बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन में। ये जो पीछे आप जो रेक देख रहे हैं डेमो का, जी हाँ ये चलती है अपनी बापू धाम मोतिहारी से पटना के पाटलिपुत्रा के बीच जो कि अपने मात्र 3.5 घंटे में सुबह 6 बजे निकलती है और 9:30 करीब आपको छोड़ देती है पटना के पाटलिपुत्रा। हफ्ते के 7 दिन चलती है और एक यहीं से गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि बापू धाम मोतिहारी से अपने दिल्ली के आनंद विहार के कनेक्ट करती है। हफ्ते के 2 दिन चलती है अपनी चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, दो ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है अपनी बापू की जन्मभूमि अपनी बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। बाकी 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन बापू की जन्मभूमि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट और रात के 11 बज चुका है देख लीजिए बाकी डिपार्चर देखिए। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है बापू की जन्मभूमि यानी पूर्वी चंपारण के अपनी बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से पूरे 5.5 घंटे की डिले से रात के 11 बजे निकले जो कि टाइम था शाम के सामने। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है ना स्किप करेंगे 3 स्टेशन जो कि अगला स्टॉप पे जाएगा अपना चकिया मेहसी मोतीपुर। ये तीनों स्टेशन को बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ तो मिलते हैं सीधे बिहार के शाही लीचियों के शहर मुजफ्फरपुर जंक्शन कुछ नज़ारों के साथ, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भाई। वैसे भाई मूड ऑफ हो गया भाई, 5.5 घंटा डिले और भाई बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है फॉग भाई कोहरा है कि पूछो मत। बाकी चलो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी अवध एक्सप्रेस के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। ये ट्रेन चलती है हफ्ते के 7 दिन महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से अभी देर रात के निकलती है 10 बजे करीब और ठीक
तीसरे दिन आपको रात के 11:10 पे छोड़ते बिहार के बरौनी जंक्शन, टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2253 किलोमीटर की दूरी तय करती है 49:10 81 हॉर्स को कवर करते हुए। इसमें पिस्टन का एवरेज स्पीड ज्यादा है 46 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। ये एक LHB रेक के साथ चलती है, ये एक मिलक इसके रिक्शी टाइप की ट्रेन है और इसका रेक जोन ऑपरेट होता है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। बाकी ये जो अपनी अवध एक्सप्रेस है ना, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार ऑन बोर्ड और साइड पेंट्री आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ईस्टिंग। तो अपनी अवध एक्सप्रेस के बारे में एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो ईस्टिंग को चलाया गया था 8 मई 1974 ईस्टिंग में, और ईस्टिंग की में आपको पेंट्री कार ऑन बोर्ड और ई कैटिंग सुविधा अवेलेबल मिल जाएगा। और ईस्टिंग का जो लोको होता है वडोदरा सेट का व्यास 7 लोको पुल करता है, जो कि के सातों दिन अपनी बांद्रा बरौनी और बरौनी से बांद्रा के बीच अपनी अवध एक्सप्रेस। चलिए इस टीम के कोच कंपनी की मैं बात कर लेता हूँ। तो इस टाइम में आपको एक पेंट्री कार, 6 स्लीपर, 2 जनरल और 2 3rd AC इकोनॉमी, बाकी 6 3rd AC का नॉर्मल कोच और 1 1st AC, 1 2nd AC और 1 SLRD और 1 UOG और 1 WF7 लोकोमोटिव के साथ चलती अपनी अवध एक्सप्रेस। तो फिलहाल ट्रेन हमारी पहुंच चुकी बिहार के स्टाइलिश स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन, पूरे 4:45 5 घंटे डिले के साथ अपनी प्लेटफॉर्म में 1 पे अराइवल होता हुआ। यहां पहुंचने के टाइम था रात के 9 बजे करीब 8:05, अभी टाइम हो रहा है रात के 1:10। हम चाहते तो पीछे जस्ट इसके पीछे जननायक भी चल रही थी, अगर हम में नहीं पालता था भाई कि ये ट्रेन इतना डिले होगी। देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और ट्रेन हमारी अवध के निकलते ही जननायक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी मुजफ्फरपुर। और भाई आधी रात को देख लीजिए क्या खूबसूरत लग रही है अपनी मुजफ्फरपुर जंक्शन इस कड़ाके ठंड में, और भाई चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। चलो कोई नहीं, अब जो भी था जर्नी एक्सप्रेस कम्प्लीट ही हो चुकी है। बगहा से पूरे 200 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके हैं इस वक्त बिहार के साइली जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MFE और यहाँ पे अपनी अवध एक्सप्रेस का 5 मिनट कॉल्ट है। यहाँ पहुंचने के टाइम था रात के 8:55, लगभग 9 बजे करीब अपनी ट्रेन पहुंची है रात के 1:10, यानी कह सकते हैं 5 घंटे की डिले से। वैसे जर्नी एक्सप्रेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, कि जो 3rd AC की एक जर्नी थी। वैसे इस ट्रेन में ऑलरेडी मैं पहले जनरल स्लीपर और जो है ना 3rd AC इकोनॉमी में भी जर्नी की, और ये नॉर्मल 3rd AC आज की जर्नी थी। वैसे मेरा टिकट था भाई इस ट्रेन का बरौनी तक, बट अपनी ट्रेन भाई 5 घंटे लेट होने के कारण मेरी अगली जो ट्रेन है मिस हो गई है। तो क्या कीजिएगा, खैर कोई नहीं, किस्मत बताती है, ठीक है। वैसे इस ट्रेन में भी आइए हर बार जो है ना नहीं 3rd AC स्लीपर कोई साफ सफाई नहीं रहता है, और ऊपर से इस ट्रेन का जो है ना आपको जो पेंट्री कार है भाई इस ट्रेन में भी SKM काफ़ी ज़्यादा होती है। रेल ने रखा हुआ है पानी मतलब फिर भी लोकल पानी सेलिंग किया जा रहा है। और ये जो अपनी अवध एक्सप्रेस है भाई इस ट्रेन में जो है ना भाई मतलब खाना भी ओवर प्राइस और ऊपर से भाई SKM काफ़ी है। वैसे चलिए जर्नी को हम एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसका फिर से अपडेट करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।